हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शशि शेखर एंड वी विल स्टार्ट द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट एनालिसिस। टुडे वी विल एनालाइज न्यूज़पेपर ऑफ 21 मार्च 2024। मोस्ट ऑफ द व्यूअर विल बी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मेनली यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। सो वी विल एनालाइज दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आज के जो मेन आर्टिकल है वो गिनिया ओन डिजीज के बारे में एक आर्टिकल छपा है, जिसमें लिखा है कि ये क्लोज टू इरेडिकेशन है, ठीक है, ये ख़त्म होने के कगार पे है। फिर उसके बाद सेकेंड आर्टिकल जो है डेटा मार्केट प्लेस के बारे में है, कैसे हम नॉन पर्सनल डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड आर्टिकल जो है इनकम इनइक्वलिटी के बारे में, इंडिया में कैसे टॉप 1% के पास कंटिन्यूसली हायर इनकम जनरेशन है जबकि बॉटम 50% के पास लोअर इनकम जनरेशन है। और फूड कलरिंग एजेंट जो फूड में आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं, कैसे वो हार्मफुल है। और अभी रिसेंटली साउथ इंडिया के एक स्टेट ने इसे बैन किया है। ये चार आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो है वो एलिमिनेटिंग डिजीज वन रीजन एट अ टाइम। इसमें राइटर का कहना है कि हमें एक रीजन को ही एट अ टाइम, एक समय पे एक ही रीजन को ध्यान में रख के एलिमिनेट करना चाहिए डिजीज को। एक चार्टर सेंटर है जो ग्लोबल लीडर है एलिमिनेशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ डिजीज का, वो रिसेंटली एक रिपोर्ट में बोला है कि गिनिया डिजीज जो है क्लोज टू इरेडिकेशन है, ख़त्म होने के कगार पर। WHO के वेबसाइट पे भी इसके बारे में जिक्र है। ये डिजीज जो है 1986 में 21 कंट्रीज में लगभग 3.5 मिलियन था। अब ये 2023 में 5 कंट्रीज में ऑलमोस्ट 13% के बराबर रह गया है, ठीक है, 99.99% रिडक्शन आया है। ये सेकेंड डिजीज होगा स्मॉल पॉक्स के बाद जिसको हम इरेडिकेट करेंगे, और ये पहला डिजीज होगा जिसको हम बिना मेडिसिन या फिर वैक्सीन के एलिमिनेट करेंगे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो बनाया गया है 2030 के टारगेट के ध्यान में रख के, उसमें मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज, इनको इरिडिकेट करने को के लिए टारगेट किया गया है। तो ये आर्टिकल गिनिया ओन डिजीज का एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं कि कैसे हम इन डिजीज को ऑन टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं प्लानिंग के साथ। जो ट्रांसमिशन को एलिमिनेट करना है, ये टारगेट ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जीरो ट्रांसमिशन होना चाहिए उस डिजीज का, वो उस एरिया में दोबारा किसी को वो डिजीज दोबारा ना हो। परमानेंट सेसेशन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, नो रिस्क ऑफ रीइंट्रोडक्शन। जीरो ट्रांसमिशन के बाद दोबारा रीइंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि पोलियो का जो इन्फेक्शन है कुछ कंट्री में दोबारा इरप्ट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। और ये इट इज़ हाईली डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव टू इन्हांस द हेल्थ ऑफ द पीपल, स्पेशली द पुअर हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शियस डिजीज। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पुअर पीपल जो होते हैं उनके पास फैसिलिटी बहुत कम होती है, साथ में उनके पास बेसिक इम्यूनिटीज़ की कमी होती है, लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको कम एक्सेसिबल होता है, पुअर सैनिटेशन में वो रहते हैं, साथ में उनके पास इनकम इतना कम होता है कि वो हेल्थ फैसिलिटी को भी एक तो ऑन टाइम नहीं एक्सेस कर पाते हैं और कंप्लीट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी रीजन टू रिकमेंड द डिजीज एलिमिनेशन एज पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी। इसीलिए इसके राइटर ने कहा है कि हमें जो डिजीज एलिमिनेशन है उसको पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी के थ्रू ख़त्म करना है।
और ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक नेशनल गोल भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन बाई इंटरनेशनल एजेंसी आर रिग्रस एंड प्रिपेयरिंग टू इम्प्रूव द प्राइमरी हेल्थ केयर डायग्नोसिस एंड सर्विलांस। इसके लिए क्या क्या करना होगा, एक तो इंटरनेशनल एजेंसी से सर्टिफिकेट जरूरी है, जैसे कि पोलियो का सर्टिफिकेट WHO देता है, उसके लिए वो बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर रखा है कि इतने साल तक कोई भी सिंगल डिजीज का इन्फेक्शन दिखना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो है पब्लिक हेल्थ केयर, उसको का ये ग्राउंड लेवल पर पहला हेल्थ एक्सेस है किसी भी पर्सन के लिए, इसलिए इसको रोबस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस जो है किसी भी डिजीज़ के कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सर्विलांस, किसी एरिया में डिजीज अगर इरप्ट हुआ है तो वो कितने दिन के लिए रहा है, या फिर वो उसका जो इन्फेक्शन रेट है वो कितना है, ये सब पता करना ही सर्विलांस होता है। इससे क्या होगा कि हमें फील्ड स्टाफ को इंक्रीज करना होगा, यानी कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो होते हैं उनको हमें इंक्रीज करना होगा, ताकि हम ग्राउंड लेवल पे ही उसे कंट्रोल कर सकें। फिर उसके बाद हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और डिफाइंड गोल, हमारे पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। इसके अलावा हाई पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट होना चाहिए और पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए। ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हेल्थ सिस्टम के लिए ज़रूरी है। ट्रांसमिशन को एलिमिनेट करने में के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि ये रिसोर्स इंटेंसिव है, रिसोर्स की हमें बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये जो है एक तरीके से सिस्टम के ऊपर लोड की तरह काम करता है, और ये हेल्थ फंक्शन को नेगलेक्ट करने लगता है अगर रिसोर्स समय पर ना मिले। अभी हमने कोरोना में देखा कि अचानक डिजीज़ के इरप्शन से हमारे पास ना हेल्थ वर्कर्स इनफ थे, ना हमारी हेल्थ फैसिलिटी इनफ थी, तो उससे जो है बर्डन आया और फैटिलिटीज़ ज़्यादा हो गए थे। ये वीक हेल्थ सिस्टम के सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद डिजीज एलिमिनेशन शुड बी प्लान ओनली आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एनालिसिस। कुछ डिजीज होते हैं जो कुछ एरिया में होते हैं, जैसे कि नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज हुआ, या फिर जीका वायरस इंडिया में हुआ, इंडिया के अंदर जीका वायरस, ये एक कुछ एरिया में कंटिन्यूस इरप्ट कर रहे हैं, तो हमें उसी रीजन पे ही काम करना है। जबकि दूसरे डिजीज हो गए जैसे फ्लू डिजीज हुआ, तो वो कभी भी पूरे इंडिया में फ्लू वो फैल सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे इंडिया में हमें हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, और जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो साइंटिफिकली फिजिबल होना चाहिए, खासकर इंडिया में जो टारगेट किया जा रहा है, जैसे काला आजार हुआ, फिर उसके बाद लेप्रोसी हुआ, ये सारे डिजीज। प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन इज हाई, अगर डिजीज जो पॉपुलेशन में हाई है कोई डिजीज, तो हमें फर्स्ट स्टेज पे ही उसे टारगेट करना चाहिए, ताकि वो उस लेवल पे आ जाए जहाँ पे हम प्रैक्टिकली सोच सके कि उस डिजीज को कैसे एलिमिनेट कर सके, ना कि हमें उसके हायर डिजीज लोड को ही टारगेट करें, जिससे हमें अगर वो डिजीज हमारे लिए थ्रेशोल्ड लेवल पे आ जाता है तो हमें ये समझने में आसानी होगा कि इसका एलिमिनेशन का कॉस्ट क्या होगा, और हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि ताकि हम एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट कर सकें। इसके लिए कैसे कर सकते हैं, इसे अपने थ्रेशोल्ड लेवल पर लाने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए एक सर्विलांस सिस्टम की। गवर्नमेंट के पास पहले ही से पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम है, जिसमें हम वेटनरी को भी रखते हैं, ताकि और दूसरे जैसे कि जो जूनेटिक डिजीज जो होते हैं वो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके राइटर का कहना है कि हमें इस पब्लिक हेल्थ सर्विलांस सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ताकि
कैप्चरिंग एवरी इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, ताकि कोई भी डिजीज़ कहीं भी इंडिया के किसी भी रीजन में हो तो उसका हम डेटा कलेक्ट कर सकें, तो उसके ताकि उसका फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट राइटर का कहना है कि स्ट्रेंथनिंग द लेबोरेटरीज फॉर स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन, अगर वो डिजीज़ ट्रांसमिट हुआ है तो उसको हम लेबोरेटरी में भेज के तुरंत उसको कंफर्म कर सकें। फिर उसके बाद उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन होना चाहिए और कंज्यूमेबल्स आर अवेलेबल, साथ में ट्रेनिंग वो ऑफ द वर्क फोर्स आर रिगरस रिक्वायरमेंट होना चाहिए एलिमिनेशन के लिए। टोटल कितने पॉइंट बताए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पॉइंट बताए गए हैं। हम इस 5 पॉइंट को मेंस के एग्ज़ाम में सर्विलांस सिस्टम में डाल सकते हैं। पहला है कि डेटा कलेक्शन होना चाहिए, फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लेबोरेटरी फॉर स्क्रीनिंग एंड कंफर्मेशन, फिर मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स आर अवेलेबल, फिर ट्रेनिंग ऑफ द वर्क फोर्स को इनफ होना चाहिए। फिर उसके बाद एलिमिनेशन अगर अचीव हो जाता है तो सर्विलांस को भी तब भी कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि ये डिजीज जो है री इंट्रोडक्शन ना हो सके पैथोजन का। जैसे कि पोलियो का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में पोलियो इंडिया में इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अभी भी हम पोलियो के वैक्सीन पोलियो ड्रॉप देते हैं, ताकि कोई भी अगर सिंगल केस हो या फिर कोई डोरमेंट स्टेज पे हो तो वो री इंट्रोड्यूस ना हो पाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि डिजीज टारगेट कंट्री में डिफ़िकल्ट टू अचीव टू इंटायर नेशन विद इन डिक्लेयर टाइम फ्रेम, लेकिन ये अचीवेबल है सम पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर पूरे होल इंडिया को हम अगर टारगेट करके चले किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंट्रोल करना, लेकिन अगर एरिया वाइज करते हैं तो हमें ईजी होगा डिजीज़ को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल के तौर पे काला अजार का लिया गया है कि वो केवल अब 5 स्टेट में ही काला अजार का डिजीज इंडिया में अभी प्रेजेंट है, और ख़ासकर कुछ ही ब्लॉक्स में, 2 स्टेट के कुछ ही ब्लॉक्स में काला अजार की डिजीज अभी ज़्यादा तौर पे केस मिलते हैं। इंडिया अकाउंट करता है 40% लिम्फेटिक फाइलेरेसिस, हाथी पाँव का जो 40% ग्लोबल केस लोड है इंडिया से ही आता है, विच आर टारगेटेड टू एलिमिनेट बाई द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO का जो पार्ट है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उसने एलिमिनेट करने का टारगेट किया था, रेजोल्यूशन 1997 में पास किया था। और ये जो है काला ये लिम्फेटिक फाइलेरेसिस जो है वो कुछ ही स्टेट में प्रीवेलेंट है और कैन बी एलिमिनेटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विलांस, वेक्टर कंट्रोल, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट। इसके राइटर ने बताया है कि इस आर्टिकल के राइटर ने बताया कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, एक सर्विलांस का प्रयोग करेंगे जो पहले अभी पढ़ा हमने, एक वेक्टर कंट्रोल, जो वेक्टर होते हैं लिम्फेटिक फाइलेरेसिस के, इसके ढेर सारे वेक्टर होते हैं जिसमें मस्कीटो भी आता है, फिर उसके बाद पैरासाइट भी आते हैं, फिर उसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड जो ड्रग है उसकी अवेलेबिलिटी, और साथ में जो डिजीज्ड पर्सन है जो मॉर्बिडिटी है उसको मैनेज करना, क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी ये डिजीज इरप्ट कर सके। ये सारे कॉम्बिनेशन से हम डिजीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ में कुछ पैथोजन जो होते हैं लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे कि वो डिजीज दिखता तो नहीं है लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में काफ़ी लंबे समय तक प्रेजेंट होते हैं, तो उसके प्रीवेलेंट हाई नंबर इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव डेवलप द ड्रग रेजिस्टेंस, और वो क्या करते हैं धीरे धीरे ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और डिजीज एलिमिनेट किया जा सकता है किसी भी जियोग्राफिक रीजन से, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से टारगेटेड एलिमिनेशन के द्वारा, और उस रीजन को रीजनल सर्टिफिकेशन देने के बाद हम सच एरिया को क्या कर सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ताकि उस एरिया से कोई भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन, अगर वहाँ से पर्सन निकलते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग किया जा सके कुछ समय के लिए, ताकि हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकें। रीजनल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, मल्टी सेक्टोरल कोलाब्रेशन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इनोवेशन और एडॉप्शन लोकल इफेक्टिव सॉल्यूशन। अगर रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है उसको यूज कर सकते हैं।
स्मॉलर यूनिट डिप्लॉय कर सकते हैं रिसोर्स के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए, एडिशनल लोड विदाउट अफेक्टिंग द अदर एसेंशियल टास्क, कोई दूसरा काम को बिना रुकावट के इसको डिप्लॉय कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट। जब एलिमिनेट हो जाए रीजन वाइज, नेशन और स्टेट गवर्नमेंट को अब अपना प्रोसेस शुरू करना चाहिए। रीजनल एलिमिनेशन टू कलमिनेट एट द नेशनल लेवल हैज टू बी प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटायर कंट्री। जो नेशनल लेवल पर प्लान बनेगा वो इंटायर कंट्री के लिए बनना चाहिए, और रीजनल लेवल पर जो बनेगा वो लोकल इफेक्टिव सॉल्यूशन और लोकल लेवल पर बनना चाहिए। रीजनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्निकल और मटेरियल सपोर्ट और प्रोग्रेस ऑफ द रीजनल एलिमिनेशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट डील कर सकता है स्प्रेड ऑफ डिजीज अक्रॉस स्टेट एंड पोर्ट्स ऑफ द एंट्री टू कंट्रोल री इंट्रोडक्शन। जो डिजीज का इंट्रोडक्शन होता है वो पोर्ट के थ्रू होता है या फिर फ्लाइट के थ्रू होता है, जहाँ से एंट्री होती है, तो उस एंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट चेक कर सकता है ताकि स्टेट टू स्टेट ये डिजीज ट्रांसमिट ना हो सके। इंडिया में जो है नेशनल एलिमिनेशन कैन बी अचीव मोर इफेक्टिवली, ये लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग द एलिमिनेशन एंड स्केलिंग इट अप रीजन बाय रीजन एंड अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड आर्टिकल जो है डेटा मार्केट प्लेस द नेक्स्ट फ्रंटियर के बारे में है। इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है, तो ये सपना बिना डिजिटाइजेशन के फुलफिल नहीं हो सकता है। इसके लिए नेस्कॉम का एक रिपोर्ट है कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं 450 से 500 बिलियन डॉलर इंडिया के जीडीपी में 2025 तक। 450 से 500 बिलियन डॉलर जो है हम ऐड कर सकते हैं इंडिया के जीडीपी में 2025 तक, किसकी मदद से, डेटा की वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। रैपिड डिजिटाइजेशन हुआ है गवर्नमेंट के ऑपरेशन में। गवर्नमेंट का ऑपरेशन कौन कौन सा है, गवर्नमेंट के ऑपरेशन में ई गवर्नेंस आ गया, फिर उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी आ गया। डिजिटल इकोनॉमी में जैसे हम यूपीआई करते हैं या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, ये सारे हो गए। ई गवर्नेंस में जैसे हम सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं ऑनलाइन, ये हो गए। ये सारे जो हैं ये काफ़ी तेज़ी से डिजिटाइज हुए हैं, तो इससे क्या हुआ है कि हमारा इकोनॉमी जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। और ये रैपिड डिजिटाइजेशन जो है ये सिटीजन का डेटा जो है वो काफ़ी हाई तौर पे इंक्रीज किया है पिछले कुछ सालों में, खासकर 2004-5 के बाद ये डेटा काफ़ी इंक्रीज किया है, और 2014 के बाद और ये तेज़ी से इरप्ट किया गया, तेज़ी से डेटा एक्यूमलेट हुआ है। और ये इस डेटा का नेचर दो टाइप का होता है, एक पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल डेटा जैसे कि आपका आधार नंबर हुआ, आपका फ़ोन नंबर हुआ, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को डिटरमाइन करता है, और एक नॉन पर्सनल डेटा होता है जिसमें से पर्सनल डेटा एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जैसे कि किसी एरिया में इतने 80% लोग वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया जा रहा है, आपका पर्सनल डेटा यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। यही नॉन पर्सनल डेटा जो है वो प्राइमरी काइंड ऑफ सिटीजन डेटा है, जो गवर्नमेंट ऑब्टेन करता है, जिसको यूज किया जाता है किस लिए, पब्लिक गुड्स को देने के लिए, पब्लिक गुड्स के सर्विंग के लिए हमारे नॉन पर्सनल डेटा को यूज किया जाता है। पब्लिक गुड्स का मतलब कि हम जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसके लिए। इसको टू क्रिएट अ सिनर्जी एंड डिवाइस स्केलेबल सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा इन डिस्पेंसेशन ऑफ पब्लिक सर्विस इज जनरली बीइंग एडवोकेटेड फॉर। इन्हीं नॉन पर्सनल डेटा का इंटीग्रेट करने के लिए बात किया गया है पब्लिक सर्विस में, ताकि हम एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सके। अप्लीकेशन ऑफ हाई वैल्यू एडवांस एनालिटिक्स और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू नॉन पर्सनल डेटा अक्रॉस की सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम इस हाई वैल्यू डेटा को जो है
एडवांस एनालिटिक्स की मदद से और फिर एआई की मदद से अगर हम नॉन पर्सनल डेटा को डिफरेंट की सेक्टर में इंट्रोड्यूस करें तो हम सोशली या इकोनॉमिकली साउंड आउटकम्स निकाल सकते हैं। डेटा ड्रिवन इंसाइट जो है बेटर इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए, गवर्नेंस के लिए, पब्लिक फंक्शन के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है मेट्रोलॉजिकल और डिजास्टर फोरकास्ट में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी डेवलपमेंट में, या फिर सिटीजन के द्वारा यूज पैटर्न में। जैसे सिटीजन यूज पैटर्न का एग्जाम्पल हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी सिटी में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो उस सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोबस्ट करना होगा, मजबूत बनाना होगा। अगर वहाँ पे टू व्हीलर ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो टू व्हीलर के लिए हाईवेज बनाना होगा, रोड्स बनाने होंगे। वैसे ही मोबिलिटी एंड हाउसिंग पैटर्न, किसी एरिया से ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है तो उस माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जिस एरिया में माइग्रेशन हो रहा है इन उस एरिया में हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम नॉन पर्सनल डेटा का यूज कर सकते हैं। लेकिन राइटर का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली अनलाइक पर्सनल डेटा देयर इज द स्टार्क अब्सेंस ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनपीडी। पर्सनल डेटा के लिए तो रेगुलेशन है लेकिन नॉन पर्सनल डेटा के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर कंस्ट्रक्ट हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर सेम, एक्सपर्ट कमेटी जो कृष्ण गोपाल कृष्णन के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है, उसमें एक इशू उठाया गया है डी एनोमिनाइजेशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। क्या रिस्क है डी एनोमिनाइजेशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा? और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ नॉन पर्सनल डेटा एंड ओनरशिप एंड डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे वो क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी ने बताया है। इसके फलस्वरूप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाया, जिसको नॉन पर्सनल डेटा फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं क्योंकि नॉन पर्सनल डेटा के लिए बनाया गया है। ये फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल आर्किटेक्चर बिंग कंसेप्ट टू मैक्सिमाइज डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। ये जो डेटा पब्लिक गुड्स के लिए जो डेटा यूज किया जा रहा है इसी को कहते हैं डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। ये सब होने के बावजूद भी नाइदर ऑफ दी एबव मेंशन प्रोवाइड फॉर द इन्फोर्सिबल रेजिम ऑफ दी नॉन पर्सनल डेटा इन इंडिया। इसके होने के बाद भी क्या है, नॉन पर्सनल डेटा जो है उसको इन्फोर्सिबल रिजीम में नहीं लाया जा सका है। इसकी वजह से जो वास्ट रिजर्वर जो है नॉन पर्सनल डेटा का वो अभी भी अनरेगुलेटेड है और सपोर्ट किया है ओनली लिमिटेड गाइडेंस के द्वारा डिसेमिनेशन यूज एंड एक्सचेंज डेटा। इस तरह के साइलोस मतलब कि अनरेगुलेटरी एकुमुलेशन और नॉन पर्सनल डेटा की वजह से क्या हो रहा है कि सब ऑप्टिमल लीगल एंड पॉलिसी डिसीजन और इन डेंजर सब पार स्ट्रेटजी जो है सेक्टरल एंड नेशनल लेवल पे स्टार्ट हो जा रहा है। हम बिना डेटा का एकुमुलेशन हो रहा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। डेटा एक्सचेंज जो है स्केलेबल इकोसिस्टम है जो गैल्वेनाइज करता है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को। इसकी मदद से ये एक तरीके से फ्रूटफुल होता है किसी भी स्टेक होल्डर या किस सेक्टर के लिए कि डिप्लॉय करे एडवांस एनालिटिक्स फॉर आउटकम ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग और अचीव कर सके अपने इकोनॉमी को स्केल करने में। वहीं अनप्रोटेक्टेड जो इंटरफ्लो होता है इन नॉन पर्सनल डेटा का किसके बीच में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में या फिर थर्ड पार्टी के बीच में या फिर सिटीजन जो मेक सेंसिटिव एस्पेक्ट ऑफ द नॉन पर्सनल डेटा वो वल्नरेबल होते हैं किस लिए, रीजन क्या है, प्राइवेसी ब्रीचेज के कारण। अभी रिसेंटली हमने प्राइवेसी ब्रीच पे ढेर सारे न्यूज भी पढ़े हैं। अनफेयरली जो बेनिफिट हो जाता है कैपेसिटी कैरिंग एक्टर लाइक बिग टेक कंपनियां इसका फायदा उठा लेती हैं। और इम्परफेक्ट एनालिसिस जो होता है क्रूशियल पब्लिक ट्रेंड्स रिजल्ट होता है फॉल्टी डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इनपरफेक्ट एनालिसिस होता है, अगर हम डेटा का अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं तो हमारा जो फॉल्ट हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो
फॉल्टी हो जाता है, मतलब कि जहाँ पे बेनिफिशियरी हैं उनको हम सही से टारगेट नहीं कर सकते हैं, उनके जगह पे कोई दूसरा बेनिफिट उठा लेता है जिसको ज़रूरत भी नहीं होती है। अनलॉक द पावर एंड डिस्प्लेसरी लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग। एनपीडी का फ्रेमवर्क जो है अभी भी पायनियरिंग स्टेप में है और सेवरल गैप्स हैं। हाई लेवल प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव जो है नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस, लेकिन इसमें क्या क्या कमी है, टेंजिबल नहीं है, एक्सनेबल नहीं है कि ताकि इसको हम अचीव कर सकें। लेजिस्लेशन को तो हम लीगल कानून तो इसके ऊपर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ऑपरेशनलाइजेशन जो है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये जो है लीविंग द क्वेश्चन ऑफ द अनएंसर रिगार्डिंग स्टेक होल्डर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अक्रॉस द सेक्टर। ऑपरेशनलाइजेशन को हम जब नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारा जो स्टेक होल्डर है या फिर ऑब्लिगेशन जो है किसी सेक्टर के ऊपर वो भी नेगलेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ मैकेनिज्म जो है प्राइसिंग ऑफ द डेटा और अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर फॉर डेटा एक्सचेंज वो भी एड्रेस नहीं हो पाता है। हमारा जो नॉन पर्सनल डेटा होता है गवर्नमेंट इससे मनी जनरेट कर सकती है, लेकिन ऑपरेशनलाइजेशन लेवल पर नेगलेक्ट होने की वजह से गवर्नमेंट मनी भी जनरेट नहीं कर पाती है। और ये अब्सेंस ऑफ द स्टैंडर्डाइज गवर्नेंस टूल कंपाउंड्स द चैलेंजेज। क्रिटिकल इवेल्युएशन जो है फ्रेमवर्क का वो ज़रूरी है ताकि हम इस एग्जिस्टिंग गैप को ख़त्म कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एफर्ट है कि वो नॉन पर्सनल डेटा को रेगुलेट कर सके और डेटा एक्सचेंज सुटेबल मीडिया तक पहुंच सके ताकि वो नॉन पर्सनल डेटा को इंटरपेरेबल बना सके अक्रॉस द सेक्टर। इसके लिए जो है रेगुलेटरी डिजाइन क्रिएट किया गया है डेटा एक्सचेंज इन इंडिया। पब्लिक वेलफेयर फंक्शन जो है वो डिजिटाइज और ऑटोमेटेड किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक होने की वजह से और डिजिटाइज होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा और ये इंटर सेक्टोरल इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक सेफ गार्ड बिल्ड करेगा यूजिंग शेयरिंग नॉन पर्सनल डेटा, और ये डिजिटाइजेशन जो है सिविक फंक्शन को मोर पार्टिसिपेटरी इन नेचर बना सकता है। कैसे पार्टिसिपेटरी बना सकता है, डिजिटाइजेशन होने की वजह से और ऑटोमेटेड होने की वजह से कोई भी वहाँ पर जाके अपना डेटा शेयर कर सकता है और डेटा में से पर्सनल डेटा को एक्सक्लूड करके गवर्नमेंट इसे थर्ड पार्टी को दे सकती है या फिर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो वो कोई भी सिटीजन इजीली अपना डेटा शेयर कर सकता है, तो ऑटोमेटेड होने की वजह से ये बेनिफिट होगा। एग्जाम ढेर सारे केस स्टडी दे रखे हैं, ये केस स्टडी जो है वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए काम आ सकते हैं। अगर हम पर्सनल डेटा के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया, चाहे एसे में आया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क और डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया है। डेटा एक्सचेंज जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है सेक्टर में, जैसे कि हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, एज केयर में, एग्रीकल्चर में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। वहीं यूनाइटेड किंगडम और इस्टोनिया में जो है डेटा एक्सचेंज को कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके लिए, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ सके, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके। उसी तरीके से इंडिया में भी एक ब्लूप्रिंट फॉर्मुलेट किया गया है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज को, जबकि इंडियन अर्बन डेटा एक्सचेंज किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। किसकी मदद से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की मदद से। सिमिलरली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने भी अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेगा डेटा एक्सचेंज टू इम्प्लीमेंट द नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी NGP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये कंक्लूडिंग पार्ट में राइटर ने क्या लिखा है कि बिल्डिंग जो इंटरेस्ट है डेटा एक्सचेंज स्ट्रक्चर को बनाने में, यह क्रूशियल है फॉर्मुलेट ब्लूप्रिंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा ब्लूप्रिंट को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये एग्जामिनेशन पेस विद द ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन द रेगुलेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज एंड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कमेटी अदर बॉडी एंड गवर्नेंस की मदद से ये हेल्प करेगा ऑपरेशनलाइज हाई लेवल प्रिंसिपल ऑफ NPD इन इंडिया बाई प्रोवाइडिंग द एक्शनेबल पाथवेज एंड लेइंग द फॉरवर्ड थिंकिंग फॉरवर्ड फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ NPD इन रिस्पेक्ट टू डेटा एक्सचेंज, ये कंक्लूडिंग लाइन है। फिर उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया रिपोर्ट। किसके द्वारा बनाया गया, ये तैयार किया गया, पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर जो डेटा मिलेंगे वो मेंस एंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के एंसर में हम इस डेटा को डाल सकते हैं, साथ में ऐसे जो लिखेंगे, ढेर सारे सोशल इशू पे ऐसे आते हैं उसमें हम इन इक्वलिटी को दिखाने के लिए इस डेटा का यूज कर सकते हैं। देखते हैं इस डेटा इस रिपोर्ट में क्या क्या है। 2022 में 2022 में जो है टॉप 1% जो है वो 22.6% नेशनल इनकम का, टोटल नेशनल इनकम का होल्ड करते थे 2022 में, जबकि 1951 में ये जो टॉप 1% है वो केवल 11.5% ही नेशनल इनकम का होल्ड करते थे, जबकि ये 1980s में और घट के कितना हो गया, मात्र 6% हो गया था टोटल नेशनल इनकम का। टॉप 1% जो है मात्र 6% ही होल्ड करता था। ये शेयर जो है टॉप 10% का इंडियंस का ये लगातार बढ़ता गया है। 1951 में जो है 36.7% था, टॉप 10% की बात हो रही है, 36.7% 36.7% था 1951 में, ये बढ़ के कितना हो गया है अभी 57.7% 2022 में, जबकि बॉटम 50% जो इंडियंस है वो केवल 15% ही नेशनल इनकम का अर्न कर पाते हैं 2022 में, जबकि ये 1951 में जो है 20.6% बॉटम 50% जो है 1951 में 20.6% अर्न करता था, जबकि अभी जो है 2022 में ये घट के 15% रह गया है। ये टॉप 10% का डेटा है। फिर ये गैप जो है कंटिन्यूसली पिछले 20 सालों में, मतलब 2 डिकेड में कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है। 2022 में जो है शेयर ऑफ नेशनल इनकम जो है वेल्थीएस्ट 1% ऑफ इंडियन का हिस्टोरिक पीक पे है। ये यहाँ तक ये इतना ज़्यादा है कि डेवलप्ड कंट्री में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, उनसे भी ज़्यादा है। टॉप 1% का जो इनकम है ये दो देशों के नेशनल इनकम के एवरेज से भी ज़्यादा है। और ये पढ़ी लिए कि कौन किसने पब्लिश किया ये रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने। अब टोटल 5 चार्ट दिए हुए हैं इसमें, इन 5 चार्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे इनइक्वलिटी इंक्रीज किया है। पहला चार्ट देखते हैं, पहले चार्ट में जो टॉप 0.001% है उनके पास 2.1% इनकम शेयर है। अब इसमें 10 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 4.3% लगभग डबल हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। अब फिर इसमें 10 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे लगभग 2.5 टाइम्स इनकम इंक्रीज कर जा रहा है। और टॉप 1% 22.6% है जो अभी पढ़ा हमने। फिर टॉप 10% जो है वो 57.7% है, जबकि मिडिल 40% जो है उनका इनकम शेयर जो है नेशनल इनकम में 27.3% है, मिडिल 40%। और फिर उसके बाद बॉटम 50% जो है एकदम नीचे, अगर ये इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है तो ये टॉप के पॉपुलेशन हुआ, ये बॉटम का 50% जो पॉपुलेशन है उनके पास इनकम शेयर कितना है, मात्र 15% है। सेकेंड चार्ट में दिखाया गया है कि कैसे इनकम डिस्पेरिटी इंडिया में हमेशा से था, लेकिन ये रिसेंट टाइम में और तेज़ी से ब्रॉडन होता गया है। 1950s में और 1960s में जो इनकम गैप है वो टॉप 10% और मिडिल 40% में लगभग नेग्लिजेबल था,
और 1980s में बॉटम का 50% जो शेयर था नेशनल इनकम में वो मार्जिनली इंक्रीज किया है। और पोस्ट लिबरलाइजेशन एलपीजी के समय, ये तो 1991 में आया था लेकिन उससे पहले से ही रिफॉर्म शुरू हो गए थे 1987 के आसपास, तो उस समय इनकम जो है टॉप 10% का वो तेज़ी से इंक्रीज किया है। और जो अदर टू ग्रुप का शेयर जो शेयर है वो कंटिन्यूसली फॉल किया है। अदर टू ग्रुप का शेयर मतलब बॉटम 50% एंड मिडिल 40%। और इस ग्रोथ इस कर्व में दिखाया गया है कि टॉप 10% कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, मिडिल 40% कंटिन्यूसली डिक्रीज किया है और बॉटम 50% लगभग हमेशा ही डिक्रीज किया है। शेयर ये शेयर वाइज है, ठीक है, नेशनल इनकम में किसका कितना शेयर है। टॉप 10% जो पॉपुलेशन है उनका शेयर जो है नेशनल इनकम में 2022 में हायर है रिचेस्ट 1% ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इसमें ये भी है कि जब कॉलोनियल ब्रिटिश रूल था उस समय जब रिचेस्ट 1% के पास जिंदा जितना इनकम शेयर था और अभी जितना इनकम शेयर है उनकी तुलना में उनके पास अभी ज़्यादा है 2022 में। और टॉप 1% जो अर्न कर रहे हैं एवरेज इनकम अभी प्रेजेंट में टॉप 1% जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो 53 लाख रुपीज़ है पर ईयर, जबकि अभी जो एवरेज इंडियंस जो है अभी जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो लगभग 2.3 लाख पर मंथ है, पर ईयर है। ये 2022-23 का डेटा है, तो इसके अंदर जो गैप है वो लगभग 23 टाइम्स है। वहीं पे नेशनल एवरेज इनकम है बॉटम 50% और मिडिल 40% का, वो जैसे बॉटम 50% का जो है वो 71,000 रुपीज़ पर ईयर है, जबकि मिडिल 40% का जो है वो मिडिल 40% का कितना है 1.65 लाख है, यानी कि नेशनल एवरेज से भी कम है मिडिल 40% का प्रेजेंट में। चार्ट 3 में दिखाया गया है कि जो रिचेस्ट 1% है नेशनल इनकम जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस जो है उनका शेयर होल्डर 20% था, 20% के आसपास था, लेकिन इंडिपेंडेंस के पास प्रिंसली स्टेट जब इंडिया में मर्ज हो गया तो उनका शेयर जो है टॉप 1% स्टेडली डिक्लाइन किया और वो 6% पे पहुंच गया 1980s में, लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद उनका इनकम सर्ज बहुत तेज़ी से बढ़ा है और वो अब 22.5% पर पहुंच गया है, वो प्री इंडिपेंडेंस से भी ब्रिटिश रूल से भी ज़्यादा है। और फोर्थ और फिफ्थ चार्ट बताता है, ये कंपेयर किया गया है टॉप 10% और टॉप 1% का जो इनकम है डिफरेंट कंट्री में, जैसे साउथ अफ्रीका में जो है टॉप 10% 65.4% इनकम रखता है और टॉप 1% 19.3% रखता है, वैसे ही इंडिया का 57.7% टॉप 10% जो पॉपुलेशन है और 22.6% जो है इनकम शेयर जो है टॉप 1% पॉपुलेशन का है। 2022-23 में इनकम शेयर जो है टॉप 1% का वो जो यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राज़ील के एवरेज इनकम से भी इंडिया का ज़्यादा है। और फिफ्थ चार्ट बताता है कि चाइना और वियतनाम में एवरेज इनकम ग्रो जो है इंडिया से भी फास्टर है। और लास्ट आर्टिकल जो है वो बताता है कि कर्नाटका जो है अभी कुछ कलरिंग एजेंट को बैन किया है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर डालते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, वो आर्टिफिशियल कलर जो है उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं और वो कोई नुकसान भी ना पहुँचाएँ, लेकिन जो हार्मफुल है उसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन किया है और वो ये फर्स्ट स्टेट नहीं है जिसने बैन किया है, इससे पहले कुछ और साउथ इंडियन स्टेट्स ने बैन किया था। कर्नाटका बिकेम अ थर्ड स्टेट इन साउथ इंडिया टू बैन अ सर्टेन कलरिंग एजेंट
जो किस में यूज किया जाता है, कॉटन कैंडी में और गोभी मंचूरियन में। डिसीजन जो फॉलो किया गया है ये तमिलनाडु के द्वारा भी और गोवा के द्वारा भी किया गया है। ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसने सर्वे किया था कि कुछ जिसमें पाया कि प्रेजेंस ऑफ दी सम हार्मफुल केमिकल्स इन से फूड सैंपल सच एज कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन विच आर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि ये बैन जो है कॉटन कैंडी के ऊपर नहीं है, अगर तब तक जब तक कि वो कलरिंग एजेंट जो हार्मफुल है उसको नहीं यूज करता है। ये सर्वे कैसे किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। ये सर्वे में सैंपल कलेक्ट किए गए थे, कॉटन कैंडी के सैंपल यूज किए गए थे, जिसमें से 25 कॉटन कैंडी के सैंपल में 15 को अनसेफ किया गया क्योंकि उसमें कलर था, और रेस्ट जो है उसको सेफ था क्योंकि उसमें कलर यूज नहीं किया गया था। वैसे ही 171 गोभी मंचूरियन के सैंपल कलेक्ट किए गए, जिसमें 107 सैंपल जो है वो डिक्लेयर किया गया है अनसेफ ड्यू टू एडेड कलर, जबकि 64 जो है वो डिक्लेयर किया गया है सेफ क्योंकि उसमें कोई कलर ऐड नहीं था। अब एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए ये हार्मफुल केमिकल इम्पोर्टेंट है। अनसेफ सैंपल जो है एडेड कलर सो ट्रेस ऑफ द सनसेट येल्लो टेट्राजीन एंड रोडामिन बी जो कॉटन कैंडी में यूज किया जाता है। ये जो टर्म है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये टर्म देके पूछ सकता है कि ये रिसेंटली किस लिए न्यूज़ में था प्रीलिम्स में। वैसे ही जो गोभी मंचूरियन में यूज किया जाता है कलरिंग एजेंट वो है टेट्राजीन सनसेट येल्लो एंड कार्मोसिन। इसमें से जो रोडामिन बी है उसको ऑलरेडी बैन किया गया है क्योंकि उसमें सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, यानी कि वो कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रोडामिन जो कलरिंग एजेंट है, जबकि टेट्राजीन जो है हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि ये अप्रूव्ड आर्टिफिशियल कलर है और इसको हम एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं। कुछ फूड आइटम के लिस्ट बनाए गए हैं जिसको बताया गया है कि कितना अमाउंट यूज किया जा सकता है उसमें कलरिंग एजेंट, और ये कंडीशन ओनली फॉर पैकेज फूड आइटम के लिए है। टेट्राजीन कैन नॉट बी यूज फॉर फूड आइटम विच आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अगर कोई फूड आइटम फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है तो उसमें टेट्राजीन नहीं यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर पेनाल्टी कैसे लगता है, रूल 16 जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011 ये बताता है कि नो आर्टिफिशियल कलर शुड बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन में तो कोई आर्टिफिशियल कलर यूज ही नहीं कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से, और सेम रूल अलाउ करता है सर्टेन फूड कलर टू बी यूज विद इन द अप्रूव लिमिट, जो लिमिट फसाई अप्रूव करेगा उसी को यूज कर सकते हैं, जबकि नॉन परमिटेड कलर जो रोडामिन भी है उसको तो यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि कॉटन कैंडी में भी नहीं यूज कर सकते हैं, और अगर करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस फॉर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हेफ्टी फाइन होगा और जेल तक भी हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से फाइन जो है वो 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए और जेल का टर्म जो है मिनिमम 7 साल होना चाहिए, जो एक्सटेंड कर सकता है आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तक, ठीक है, बैंड केमिकल यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिशियल जो एसर्ट किया है कि यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल कम इंटू इफेक्ट इमिडिएटली, जबकि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि अवेयरनेस फैलाए मैन्युफैक्चरर के पास और जो कंज्यूम कर रहे हैं कि ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करें, उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन एडवाइस किया गया है कि नॉट यूज्ड एंड यूज मिनिमली फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड विद द आर्टिफिशियल कलर। गवर्नमेंट रेंडम चेक कर सकती है ताकि वो इस तरीके के लीगल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सके। गोभी मंचूरियन के अलावा एक और फूड है जो कबाब है, कबाब में भी फूड कलरिंग एजेंट को पाया गया है। ये आज के आर्टिकल थे, थैंक यू।